है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। इसका एक सबसे बड़ा रीजन कोरोना वायरस है। कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसमें मार्केट लीडर बनेंगी, जहां पर हमने रेलिगेयर, स्टार हेल्थ और सिग्ना टीटी की बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज फाइनेंशियल 2020 के नंबर्स अब मार्केट में आने लगे हैं और हमने सोचा क्यों ना पिछले साल की कंपनीज़ को एक बार रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है और कौन सी कंपनीज़ अब हमें और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐड करनी चाहिए। आज जो मैं आपके साथ कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ वो है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी की तरह बनता जा रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले इसी कंपनी को रिव्यू किया जाए। दोस्तों, अगर आप मेरी रेलिगेयर की पिछली वीडियो मिस कर गए हैं तो आप पहले उसे देख लें, उससे आपको रेलिगेयर के प्रोडक्ट्स और एज अ बिजनेस कैसा ये काम कर रही है अभी तक का आइडिया अच्छे से हो जाएगा। हम रेलिगेयर का इसमें 2020 के नंबर्स को डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस करना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं एक ग्रिड की फॉर्म में हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को समझाना चाहूँगा। देखिए, इंश्योरेंस को अगर मैं तीन हिस्सों में बांट दूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को, तो पहली वो कंपनीज़ हो गई जो PSUs मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल, यूनाइटेड, ये कंपनीज़ आ गई जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ही आपको कार इंश्योरेंस या फिर फायर एंड बर्गलरी की जनरल इंश्योरेंस की नीड्स को प्रोवाइड करती हैं। इसमें HDFC, इर्गो, ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनीज शामिल हैं। तीसरी ये कैटेगरी हुई जहां पर जो कंपनी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे ही टारगेट कर रही हैं। इसे मार्केट में जनरल तौर पर साही के नाम से जाना जाता है। साही गोज फॉर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें मोस्टली तीन कंपनीज ही अग्रसर हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सेकेंड नंबर में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरे नंबर पर सिग्ना TTK आती है। वापस से अगर अब मैंने आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लिया, ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो गए रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे हो गए कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी सिर्फ 3% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर हम इसी ग्रिड को ओवरऑल आगे देखें कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इसमें मार्केट लीडर बनेंगी, तो हमारे हिसाब से PSU कंपनीज़ का जो इम्पेरेटिव है या उनका जो बिजनेस करने का स्टाइल है, उनको कभी भी मार्केट लीडर नहीं बना पाएगा। इस वजह से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं इस ग्रिड के टेबल में कि ये कंपनीज़ कभी भी बहुत अच्छा नहीं करेंगी। अगर मैं कॉरपोरेट के कॉलम की भी बात करूँ तो ओवरऑल PSU कंपनीज़ कॉरपोरेट में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं, बट अगेन इनकी रीच बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनकी रीच वहीं कंपनीज़ में, अगर तो कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ है वहाँ पर रही है, या फिर जहाँ पर भी सस्ती इंश्योरेंस के प्रोवाइड करने का इम्पेरेटिव रहता है वहीं पर ही लोग जनरली गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट वगैरह इजी नहीं है। इसलिए मैं अगेन कॉरपोरेट्स के बीच में भी इसको क्वेश्चन मार्क या फिर क्रॉस मार्क करूँगा कि गवर्नमेंट कंपनीज़ कभी भी लीडर नहीं बन पाएंगी रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ और कॉरपोरेट इन्वेस्टर के साथ। दोस्तों, ये चीज़ जबकि लाइफ इंश्योरेंस में बिल्कुल अलग है। आप देखते होंगे कि LIC रिटेल इन्वेस्टर्स और इवन कॉरपोरेट्स के साथ मार्केट लीडर है। आज की डेट में भी 78% मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस में LIC होल्ड करता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये मार्केट लीडर की पोजीशन हमें नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये कहीं पर भी ले पाएंगे। अब सेकेंड कैटेगरी ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इसके बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे HDFC इर्गो है और ICICI लॉम्बार्ड है। देखिए, मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस एज अगर बिजनेस के बारे में बात करूं, तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जहां पर रिन्यूअल्स हमेशा बढ़ते हैं। मतलब एक 25 इयर्स की एज पे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो जब उसकी एज 30, 35, 40, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसका प्रीमियम बढ़ता है। जबकि जो दूसरे असेट्स हैं वो डिप्रिशिएटिंग असेट्स रहते हैं। जैसे कि कार इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, आज अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो अगले साल उसका सम एश्योर्ड भी कम होगा और आपका प्रीमियम भी कम आएगा।
तो मतलब रिन्यूअल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सिमिलरली जो नॉर्मल फायर और बर्गलरी की इंश्योरेंस भी रहती हैं, उसमें भी अगर वही सेम प्रोडक्ट की ही दोबारा से इंश्योरेंस की जाए तो ये एक डेप्रिसिएशन उसके ऊपर काउंट की जाएगी। बट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर रिन्यूअल्स बढ़ते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि एक हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जो कि इसमें मार्केट लीडर हो। तो हमारे पास आखिरी कैटेगरी शाही अब बचती है कि जहां पर हमने रेलिगेयर, स्टार हेल्थ और सिग्ना टीटी को टीटीके की बात की। इसमें हमें लगता है कि इन तीन कंपनी में से अगर हम ओवरऑल बिजनेस को देखें तो स्टार हेल्थ और रेलिगेयर दोनों ही कंपनीज रिटेल में जीतने के, इनके आने वाले मान लीजिए अगले 10 साल में, 5 से 10 साल में इनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज बहुत ही अग्रसर हैं इन्वेस्टर्स के मामले में इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। जबकि सिग्ना टीटी के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर काफ़ी फोकस कर रही है, तो कॉरपोरेट की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में हमें लगता है कि आने वाले टाइम में सिग्ना टीटी के का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर बन सकता है। तो ऐसा बिजनेस हमें रिटेल इन्वेस्टर की जो इंश्योरेंस की नीड है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो हमारे पास बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन कंपनीज को कम करते करते 26 जनरल इंश्योरेंस में से सिर्फ दो ही कंपनीज बचती हैं, पहली है रेलिगेयर और दूसरी है स्टार हेल्थ। हम हालांकि सिग्ना टीटीके के नंबर्स को भी देखेंगे। अब दोस्तों मैं इसके बाद बात करने के साथ ही ये भी एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि ओवरऑल इंश्योरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम चैनल्स को देखें तो हम इसको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है एजेंसी मॉडल, दूसरा है बैंका, जिसको बैंका अश्योरेंस भी बोलते हैं कि बैंक के थ्रू भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, और तीसरी है एग्रीगेटर मॉडल, जहां पर जैसे कि पॉलिसी बाजार, पॉलिसी एक्स, ऐसी कंपनीज के थ्रू भी आप जाकर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देखें तो एजेंसी मॉडल बहुत ही फेवरेबल मॉडल रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिलेशनशिप पर सेल किया जाता है। अगर हम किसी को जानते हैं तो हम उससे इंश्योरेंस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। यही आप अमेज़ॉन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर जाकर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं बिना उस प्रोडक्ट को फिजिकली देखें। बट जब पैसे की बात आती है या फाइनेंस की बात आती है, हम प्रेफर करते हैं कि हम इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस उससे लें जिसको हम ट्रस्ट कर सकें, जिसको हम जानते हों। इस वजह से हमें लगता है कि रिलेशनशिप मॉडल, जो एजेंसी मॉडल में जो कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं, वो ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छा करेंगी। इसमें HDFC, इर्गो, आदित्य बिरला, रेलिगेयर, स्टार हेल्थ, सारी कंपनीज़ का एजेंसी मॉडल अवेलेबल है। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमें लगता है कि जो कंपनी एजेंसी मॉडल में अच्छा करेंगी वो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगी। इसमें स्टार हेल्थ और रेलिगेयर एजेंसी मॉडल में बाकी कंपनी से कहीं बेटर कर रही हैं, तो अगेन एलिमिनेशन के फेज़ में भी स्टार और रेलिगेयर दोनों ही कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। हम जब बाकी नंबर्स की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि स्टार और रेलिगेयर में कौन सी बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक का मॉडल एक नॉर्मल मॉडल है जहां पर आप बैंक के थ्रू जाकर इंश्योरेंस जो बाय कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मॉडल ठीक ठाक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है। ऑल दो बैंक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ता ज़रूर जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का। सिमिलरली जो एग्रीगेटर मॉडल है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, उसके बीच में भी रेलिगेयर की प्रेजेंस और इवन स्टार हेल्थ की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। रेलिगेयर के प्रोडक्ट्स लोग एग्रीगेटर मॉडल में भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अब कंपनी के FY 2020 के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 34% बढ़ा है, जो कि 1344 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 1811 करोड़ रुपीस का हो गया है। दोस्तों पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 55% की रेट से बढ़ रहा है। अगर मैं इनके प्रॉफिट्स की भी बात करूं तो ये पिछले 4 सालों में 184% की रेट से बढ़ रहे हैं। ये नंबर बेहद ही अमेजिंग है। अगर हम इनके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, जो कि हम पे करते हैं जब हम इनकी इंश्योरेंस लेते हैं, उसको भी देखें तो पिछले साल तक इनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम तकरीबन 1515 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 2326 करोड़ का हो गया, जो कि तकरीबन 53% की ग्रोथ है। ओवरऑल पिछले 5 सालों में इनका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम तकरीबन 58% की CAGR रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए,
जिस पेस से आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही होगी उसी पेस से ही बाय द एंड ऑफ द डे आपका पैसा भी बढ़ेगा या किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। देखिए, स्टॉक प्राइसेस के बढ़ने का रीज़न हम हमेशा प्राइमरीली मानते हैं कि कंपनी की ओवरऑल अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा। दोस्तों, हमेशा हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि हमें नेक्स्ट 3 to 10 ईयर्स के टाइम होराइजन में अच्छी ग्रोथ दे सके। हमें कंपनीज को तभी सेल करना है जब हमें वो शेयर काफ़ी ओवर वैल्यूड लगे या फिर कंपनी की ग्रोथ हमें कम होती दिखे। यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ पिछले 5 सालों में तकरीबन 50% से प्लस चली रही है और हमें ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल अभी शुरुआत है, अगले 5 से 10 साल में हेल्थ इंश्योरेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि सिग्ना टीटीके और स्टार हेल्थ के साथ इनके नंबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है अपने सेक्टर में। रेलिगेयर की ग्रोथ, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, तकरीबन 58% के करीब रही है, जबकि स्टार हेल्थ की ग्रोथ ऑन ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम तकरीबन 27% है और सिग्ना टीटीके की ये ग्रोथ 19% है। ओवरऑल 27% की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। स्टार हेल्थ भी अपने आप में हमें लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा एज अ बिजनेस करेगी, पर उसमें भी अगर मार्केट लीडर को देखा जाए तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हमें लगता है कि आने वाला टाइम इस कंपनी का बिल्कुल रहेगा। इसी के साथ हम एक और पैरामीटर पर इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं। दूसरा दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम टू नेटवर्थ रेशो। अगर इसको भी कंपेयर किया जाए तो ये इसमें भी रेलिगेयर अपनी बाकी दोनों पीयर से कहीं बेटर स्टैंड आउट करते हैं। रेलिगेयर का ये नंबर तकरीबन 4.08 है जो कि सिग्ना टीटीके का 3.37 है और स्टार हेल्थ का 3.63 है। इस नंबर में भी ये काफ़ी आगे हैं। दोस्तों, हमने अपनी कैंसलिम की वीडियो में आपको बताया था कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहां पर इंस्टीट्यूट पैसा लगा रहे हों और ऐसी कंपनीज में से एग्जिट करना है जहां पर से इंस्टीट्यूट निकल रहे हों। ये एक अच्छा पैरामीटर रहता है जिससे पता लगता है कि ओवरऑल वो कंपनीज इस बिज़नेस के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूट जनरली 2 to 3 साल से नीचे की इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि कैसे रिलायंस में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने पैसा लगाया है। गौर करिए दोस्तों, हमारी अगली वीडियो रिलायंस के ऊपर ही होगी। पर कमिंग बैक टू दिस कंपनी रेलिगेयर, रेलिगेयर में भी अगर आप देखेंगे तो किदारा कैपिटल ने अभी 567 करोड़ रुपीज़ जून 2020 में इसमें इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने फरवरी 2020 में भी 200 करोड़ रुपीज़ इसी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। तब मेरा एक आर्टिकल एक लीडिंग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। दोस्तों, हमने ये शुरू से ही कहा है कि अगर बिजनेस अच्छा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा आएगी। ओवरऑल लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो तब हमने इस कंपनी के प्राइस को भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तब ये तकरीबन 50 to 55 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल था इन्वेस्टमेंट के लिए। आज ये तकरीबन शेयर 85 to 90 रुपीज़ की रेंज में अवेलेबल है। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम इसको माइनस कर भी देखें तो ये तकरीबन 54% की ग्रोथ है। अगेन वही फंडामेंटल्स पर हम वापस चले गए कि जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे उस शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर आपको कोई कंपनी 50% की कंपाउंडिंग 10 साल के लिए दे दे तो आपके लिए ये एक टास्क है कि आप ये ज़रूर चेक करके मुझे बताइए कमेंट्स में कि वो पैसा कितना हो जाएगा। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ से थम्स अप है और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और अगर करवाई है तो कौन सी कंपनी के साथ। मैं आपके आंसर्स का बेसब्री से कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके साथ साथ आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी करनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।
दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूँ। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री आईपीओ परफेक्ट है।